न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। तो सर उसमें कौन सा प्लेक्सिस डैमेज होता है? मेंटेरिक मसल वाला, मेंटेरिक प्लेक्सिस। मीजनर्स जो होता है वो स्मूथ मसल्स का है, ठीक है? तो मीजनर्स जो होता है वो उसमें बेसिकली मेरे ख्याल से सब म्यूकोजल ग्लैंड्स का कोई था, कुछ था। मेंटेरिक जो है वो इकलीशिया में डिफेक्टिव होता है, ठीक है? और इसमें न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होती है। 265 पेज नंबर, 265। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ कौन सा लंग कैंसर एसोसिएटेड होता है? कार्सिनोमा ऑफ लंग, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग कौन सा पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, ठीक है? तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ दो चीजें यूजली याद रखनी है, ठीक है? दो चीजें यूजली याद रखनी है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ। एक, बल्कि तीन कर लो याद, ठीक है? एक, ACTH की एक्टोपिक प्रोडक्शन, जिसे क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है? और एक लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है? और एक क्या होगा, SIADH, SIADH। तो बच्चों क्या ये SLE नहीं बन रहा, ठीक है? S फॉर SIADH, L फॉर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, E फॉर एक्टोपिक ACTH। एक्टोपिक ACTH को क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है? कुशिंग सिंड्रोम, SLE विद स्मॉल। क्योंकि ना मैं नहीं चाहता कि ये चीज मक्ड अप हो, ये चीज कंफ्यूज हो उधर एग्जाम में, ठीक है? तो इसको अभी ही इसी तरह याद कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो कि जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा था, क्योंकि स्मॉल और स्क्वैमस में बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ SLE विद स्मॉल, ठीक है? बस एक को याद करना है, दूसरे को नहीं करना। SLE विद स्मॉल, S फॉर SIADH, L फॉर लैम्बर्ट ईटन, E फॉर एक्टोपिक ACTH। एक्टोपिक ACTH को क्या कहते हैं, कुशिंग। तो ये तीन चीजें स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ जाती हैं। अच्छा, फिर सर स्क्वेमस सेल के साथ क्या जाता है, वो बस देख लो कि उसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है, पैराथायराइड हार्मोन से एसोसिएटेड होता है, और उसमें उसमें एक्टोपिक थायराइड टिश्यू प्रोड्यूस होता है। एक्टोपिक थायराइड बेसिकली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लैरिंग्स में होता है। तो स्क्वेमस में सिंपल एक ही चीज होती है, हाइपर कैल्सीमिया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में, ठीक है? लेकिन अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स हो तो वहां पे एक्टोपिक थायराइड टिश्यू बनेगा। RH नेगेटिव मदर है, स्टार्ट डेवलपिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव बेबी। व्हेन व्हेन एंटीबॉडीज कब बनेंगी? पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी, सेकेंड डिलीवरी पे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। स्पाइना बाइफिडा अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलाद, फोलेट, ठीक है? इसलिए औरतों को प्रेगनेंसी में फोलेट देते हैं। अच्छा, स्पाइना बाइफिडा का हमने एक और वो पढ़ा था, मनिंजोसील और मनिंजियोमाइलोसील, ठीक है? मनिंजोसील और मनिंजियोमाइलोसील। तो मैंने कहा था कि जब भी लंबो सेक्रल स्वेलिंग हो उसको क्या कहना है, स्पाइना बाइफिडा। लेकिन लंबो सेक्रल स्वेलिंग के अंदर फिर हमने क्या, अगली चीज क्या देखनी है, न्यूरल टिश्यू, ठीक है? न्यूरल टिश्यू। तो अगर 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 न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, अगर न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है तो वो माइलो होगा, वरना नहीं होगा। तीसरी चीज क्या देखनी है, मनिंजेस। अगर मनिंजेस प्रेजेंट है तो वो मनिंजोसील होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है? तो यूजुअली वो आ रहा होता है स्पाइना बाइफिडा विद मनिंजोसील, उसमें न्यूरल टिश्यू एब्सेंट उसने दिया होता है। अगर न्यूरल टिश्यू भी आ जाएगा तो वो मनिंजो माइलोसील। क्या चीज रिपीट करनी है? एमसीक्यू नंबर 61, स्पाइना बेफेडा फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। स्पाइना बेफेडा फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है? राइस राइस फॉर सीरियस राइस फॉर सीरियस बेसिलस सीरियस, चावलों वाला कौन सा था, बेसिलस सीरियस। लिगामेंटम टिगरीज इज द रेमनेंट ऑफ विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? लिगामेंटम टिगरीज जो होता है वो कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का रेमनेंट है? लिगामेंटम टिगरीज जो होता है वो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट है।
अच्छा दो होते हैं डेक्टस, एक डेक्टस आर्टरियोसिस वो लिगमेंटम आर्टरियोजम देता है, जो प्लमनरी ट्रंक और आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान होगा, ठीक है, और डेक्टस मिनोसिस जो है वो लिगमेंटम मिनोसिस देगा, प्लमनरी ट्रंक नहीं, लेफ्ट प्लमनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। अच्छा लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो लिगमेंटम टीरिस देती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन क्या देती है, लिगमेंटम टीरिस देती है। अच्छा अब एक चीज ना बड़ी कंफ्यूज करती है कि उसने मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट का पूछा है या मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट का पूछा है, उसने एल वाला मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट पूछा है या एन वाला मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट पूछा है। सर इसको कैसे याद करेंगे, ये भूले ना, ये कंफ्यूज ना करे, सिंपल सिंपल मुझे लफ्ज बताओ, एलन ट्वाइस, एलन ट्वाइस के सारे लफ्ज छोटे लिख के सिर्फ एन जो है वो बड़ा लिख दो, सिर्फ एन बड़ा लिख दो। एलन ट्वाइस का जो एन है डेट स्टैंड फॉर मीडियन, डेट स्टैंड फॉर मीडियन, एलन ट्वाइस या यूरेकस जो होता है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट वाला होता है, ठीक है, मीडियन। और जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है वो कौन सा होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज वाला, अम्बिलिकल आर्टरीज वाला। अच्छा सर अम्बिलिकल वेन वाला कौन सा था, अम्बिलिकल वेन सिर्फ एक ही है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, उसका होता है लिगामेंटम टेरीज, उसका होता है लिगामेंटम टेरीज। बाकी क्या बचे, दो, विनोसस फॉर विनोजम, आर्टरियोसस फॉर आर्टरियोजम, विनोसस फॉर विनोजम, आर्टरियोसस फॉर आर्टरियोजम, क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी था ना, यस। अच्छा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का फ्लोर अगर डैमेज हुआ है तो कौन सी बोन डैमेज होगी, ठीक है, इफ आई कैन मेक, तो दिस इज बेसिकली स्नफ बॉक्स ना, दिस इज स्नफ बॉक्स इफ यू गाइस कैन सी, ठीक है, ये जो यहाँ पे बनता है ना, ठीक है, ये बेसिकली होता है स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो होता है ना इसके अंदर कौन सी बोन होती है, ठीक है, बोन्स को याद करने का एक निमोनिक है, यहाँ से अगर मैं अपनी थंब वाली साइड से स्टार्ट करूँ तो बोन्स को याद करने का निमोनिक है, शी लुक्स टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, शी फॉर स्केफोइड लुक्स, ठीक है, टू प्रिटी, एंड वाली मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, एंड वाली पिसी फॉर्म, एंड वाली पिसी फॉर्म, शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है, एंड वाली पिसी फॉर्म, अच्छा शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, एच फॉर हैमेड, अच्छा पिसी फॉर्म और हैमेड जो है वो मीडियल साइड पे आएंगी, पिसी फॉर्म और हैमेड जो है वो मीडियल साइड पे आएंगी। मैंने नाम सारे इसलिए नहीं बताए ताकि आप लोग सिर्फ ये तो याद रखो ना कि मीडियल साइड पे कौन कौन सी